टैली प्राइम पर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं इस वीडियो में समझते हैं। हालांकि टैली प्राइम के पहले आप लोगों ने टैली नाइन पर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं ये इसके पहले वाले वीडियो में समझा। इस वीडियो में टैली प्राइम जैसे ही ओपन होगा आपके सामने ये लाइसेंस जिसमें हम कंटिन्यू टू एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिफॉल्ट आपके सामने एक कंपनी बना हुआ है इसलिए बाय डिफॉल्ट ये ओपन हो गया। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे नेम ऑफ कंपनी सूरज प्राइवेट लिमिटेड है। हमें क्या करना है, इस कंपनी पर क्या करना है, वर्क नहीं करना है, हमें दूसरी कंपनी बनाना है। तो अगर ये फर्स्ट टाइम अगर ये टैली प्राइम इंस्टॉल होता तो ये कंपनी नहीं होता, फर्स्ट टाइम आपको कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन आता, लेकिन अभी ऑलरेडी कंपनी बना हुआ है इसलिए हम कंपनी के अंदर आ गए। हमें क्या करना है कि आप यहाँ पर राइट साइड में देख पा रहे हो कुछ शॉर्टकट की दिखाई दे रहा है F3 यानी कंपनी, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे या हम उस पर कीबोर्ड से जो F3 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो ये कंपनी का एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिस्ट ऑफ कंपनीज जिसमें अभी सिर्फ एक ही कंपनी का नाम शो कर रहा है। हालांकि आप यहां पर देख रहे होंगे क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट और शट कंपनी। क्रिएट मतलब कंपनी बनाने के लिए है, अगर उस कंपनी में किसी भी तरह का बदलाव करना है तो अल्टर में जाएंगे, कंपनी आपको चूज करना है तो सेलेक्ट कंपनी और कंपनी को बंद करना है तो सेट कंपनी। अभी हमें कंपनी बनाना है तो हम यहां से क्रिएट कंपनी पर आएंगे और यहां से इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कंपनी क्रिएशन का एक बॉक्स आएगा। इसमें जैसा कि टैली नाइन पर आपको फॉर्म फिल करना बताए थे वैसा ही आपको यहां पर भी करना है, लेकिन हो सकता है उसमें जितना आप वर्क किए थे इसमें इतना आपको नहीं करना पड़े। तो देखिए कंपनी नेम में मान लीजिए हम यहां से रोहन प्राइवेट लिमिटेड कर दे रहे हैं, ठीक है, रोहन प्राइवेट लिमिटेड इंटर प्रेस करेंगे, मेलिंग नेम ऑटोमेटिक आ जाता है, एड्रेस आपको जैसा आपको देना दे दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ से एड्रेस लिख देना है राजमहल, जो एड्रेस है वो हम यहाँ से फिल करते हैं झारखंड, और इसके बाद हम यहाँ से स्टेट चूज करने का, तो स्टेट मेरा झारखंड हो जाता है तो हम यहाँ से झारखंड चूज करेंगे और इसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस, इसके बाद कंट्री इंडिया है, पिन कोड 08 होगा, ठीक है। इसके बाद टेलीफोन नंबर देना दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए, मोबाइल नंबर भी वैसा ही है, फैक्स टेलीफोन नंबर ऐसे कुछ भी, मोबाइल नंबर कुछ भी लिख दे रहे हैं। इसके बाद आपका फैक्स देना दीजिए, नंबर है नहीं है तो छोड़ दीजिए, ईमेल आईडी जो देना दे दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ से रोहन एक फेक ऐसे कर दे रहे हैं, रोहन PVT LTD@ यहाँ से क्या होगा gmail.com, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या किए कि आपका ईमेल आईडी दी और इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर वेबसाइट अगर आपकी कंपनी का है तो इंटर कीजिए, नहीं तो आप रोक दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो जिसमें 1 अप्रैल 2023 है ये आपका करेंट है, हालांकि एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप यही चीज़ अगर टैली प्राइम परचेज भी करते तो उस पर भी डेट आपको ऐसे ही मेंशन करना है क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर है जिसमें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है, ठीक है। इस पर आपको रहने देना है, यहाँ पर भी रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर करेंसी सिंबल में इंडियन रुपीज का सिंबल है, फॉर्मल नेम यहाँ रहना है और एक्सेप्ट यस और नो यस कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से बता रहा है आपका कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी बन चुका है। अब इसमें ये कह रहा है कि मेंटेन अकाउंट्स यस और नो, तो यस कर लेते हैं। बिल वाइज मेंटेन करना है यस, ये भी रहने देते हैं। इसके बाद इन्वेंट्री अगर ये मेंटेन करना है तो यस, और नहीं तो अगर बाद में करना है तो अभी तत्काल नो कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें भी यस कर लेते हैं। और इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पता है ना GST, अगर आप कंपनी बनाते हैं, कंपनी पर काम करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर आपका GST अप्लाई होगा, तो यहाँ पर आप यहाँ से यस कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको चूज करना है GST डिटेल डालना होगा, तो जैसे हम झारखंड चूज करेंगे, रजिस्ट्रेशन का टाइप होगा रेगुलर कर लेते हैं, इसके बाद इसमें नो रहने देते हैं। GST नंबर आपका होना चाहिए अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, टैली पर काम करना है तो, अभी हम तत्काल इसको ब्लैंक रहने दे रहे हैं, लेकिन जब काम करेंगे तो पता है कि यहां पर रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहां से इन सब को ना क्या करते जाइए, यस कर दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। और अब देख रहे होंगे ये कंपनी जो है पूरी तरह आपका बन चुका, वो भी कंपनी का नाम रोहन प्राइवेट लिमिटेड शो कर रहा है। वाउचर एंट्री अभी नहीं हुआ है, करेंट पीरियड आपका 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक बता रहा है, करेंट डेट आपका सैटरडे 1 अप्रैल बता रहा है। ये ओल्ड बता रहा है, मतलब पुराना वाला डेट बता रहा है, क्योंकि हम पहले ही आप लोगों को बता चुके ये
जो टैलिफ प्राइम है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो इस पर हम क्या किए, कंपनी बनाना सीखे, और कंपनी बनाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऐसे शुरुआत में भी ये सब कुछ शॉर्टकट की अगर आपके सामने शो कर रहा है। ये टैली का मेन मेनू है, जो भी टैली प्राइम पर वर्क करना है यहीं से, जैसे अभी हमें कोई लेज़र बनाना होगा तो हम यहीं से क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ से देख रहे होंगे दूसरा नंबर ऑप्शन लेज़र बनाना सीखेंगे। अगर आपको भौसर बनाना है तो यहीं से आप भौसर का टाइप, इसके अलावा इन्वेंट्री जिसमें ग्रुप, कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, इन सब पे काम करेंगे। तो हालांकि इन सबको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में टैली प्राइम पर कंपनी कैसे बनाते हैं वो हम लोगों ने सीखा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।